हाय फ्रेंड्स, डॉक्टर निगम होम्योपैथिक चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अगर आपको हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है, आप उसको लाइक कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, घंटी ज़रूर दबाएं। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी का रोल डायबिटीज़ में। बड़े लोग हैं, बड़ी दवाइयाँ हैं, शाइजियम जम्बोलेटम, तमाम कॉम्बिनेशन, सेफेलेंड्रा इंडिका, ये वो तमाम दवाएं लोग देते हैं। एलोपैथी में भी तमाम दवाएं हैं। दो तरह की डायबिटीज़ होती हैं, IDDM एंड IDDM। IDDM मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, NIDDM मतलब नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस मतलब होता है Type 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, जो कि पैदाइशी होती है, अनुवांशिक, इसका कोई इलाज नहीं है। इसमें पेशेंट को इवेंचुअली इंसुलिन लेनी पड़ जाती है। वसीम अकरम एक इसके एग्जांपल हैं। डायबिटीज़ हो जाने का मतलब जीवन ख़त्म हो जाना नहीं होता है। अगर आप अच्छी तरीके से डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं तो आप इंटरनेशनल लेवल पे फिज़िकल स्पोर्ट्स, डिमांडिंग फिज़िकल स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट खेल सकते हैं वसीम अकरम की तरह। फिर बात आती है Type 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, वन ऑफ द कॉमनेस्ट डिजीजेस इन द वर्ल्ड, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटस, ओबेसिटी एंड कैंसर। ये चार सबसे कॉमन डिजीज़, पांचवा डिजीज़ गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये पांच कॉमनेस्ट डिजीज हैं वर्ल्ड के। डायबिटीज़ फोर रनर है। नाउ डायबिटीज़ का इलाज तमाम लोग कहते हैं इलाज करेंगे साहब, डायबिटीज़ Type 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस का कोई इलाज नहीं होता। आप कहेंगे साहब ये कैसी बात कह रहे हैं डॉक्टर साहब, Type 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस को मैनेज किया जाता है। मैनेजमेंट और इलाज में अंतर होता है। इलाज का मतलब क्योर होता है, मैनेजमेंट का मतलब होता है संभालना। एक बार डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाए तो उसको मैनेज करना पड़ता है। इसके कुछ गोल्स होते हैं। मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ डिपेंडेंट होता है आपके HbA1c लेवल पे। HbA1c आपका हमेशा 6 के नीचे रहना चाहिए अगर आप डायबिटिक हैं, आइडियली 5.7 के नीचे रहना चाहिए। डायबिटीज़ को डायग्नोस करने के लिए आपको ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर, वो भी आपकी वेन से निकला होना चाहिए। कैपिलरी जो आप घर में टेस्ट करते हैं ना, ये टेस्ट केवल इंडिकेटिव होता है, इससे कुछ नहीं होता, ये केवल इंडिकेट करता है, इसके अलावा इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ब्लड शुगर जब आप जाँचें, जब आप कैपिलरी ब्लड शुगर को छोड़ देंगे, वीनस ब्लड शुगर को जांच करवाएंगे, तब आप फास्टिंग और PP ब्लड शुगर कराएंगे। पोस्ट परेंडियल यानी कि PP ब्लड शुगर भी अक्सर लोग गलत तरीके से कराते हैं। PP ब्लड शुगर हमेशा 75 ग्राम ग्लूकोज खाने के 2 घंटे बाद करानी चाहिए। ये स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ PP ब्लड शुगर मेजरमेंट है, यही कराना चाहिए। HbA1c पिछले 3 महीने का आपका एवरेज ब्लड शुगर बताता है, तो ब्लड शुगर कंट्रोल सबसे बढ़िया HbA1c से पता लगता है। नाउ शुगर को कंट्रोल इसलिए करना ज़रूरी होता है बिकॉज हमारी बॉडी में ब्लड शुगर विंडो एक बहुत नैरो विंडो में सर्कुलेट करता है। अगर ब्लड शुगर उस नैरो विंडो के अंदर नहीं रहता है और फ्लक्चुएशन उसके वाइड फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो बॉडी में डैमेज होता है और ये डैमेज ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो बेसिक प्रॉब्लम होती है ब्लड शुगर की, डैमेज की, वो होती है माइक्रो एंजियोपैथी की वजह से 5 सिस्टम बर्बाद हो जाते हैं, आँखें, स्किन, हार्ट, किडनी और नर्वस सिस्टम। ये 5 सिस्टम बर्बाद होते हैं माइक्रो एंजियोपैथी की वजह से। और माइक्रो एंजियोपैथी होती किस वजह से है, शुगर के वाइड फ्लक्चुएशन की वजह से। ये फ्लक्चुएशन नहीं होने चाहिए। पिछले 3 महीने में आपका कंट्रोल एक नॉर्मल लेवल पे होना चाहिए, ये 5.7 to 6 के बीच में रहना चाहिए।
6 से ऊपर नहीं होना चाहिए HbA1c आपका। इसीलिए डायबिटीज़ का कंट्रोल ज़रूरी है, और बेस्ट कंट्रोल आपको एलोपैथी की दवा से मिल सकता है एक अच्छे डायबिटोलॉजिस्ट या एंडोक्रायोलॉजिस्ट के अंडर में। एक जनरल फिजिशियन से भी आपको अच्छा कंट्रोल नहीं मिलेगा जब तक कि वो बहुत एक्सपीरियंस ना हो। सो ये कंट्रोल ज़रूरी है, और इसके लिए एलोपैथी की दवा ज़्यादा अच्छी हो जाती है, बिकॉज उसमें कॉज एंड इफेक्ट होता है। एक दवा को इतने घंटे खाया तो उसका इतना असर आया, उसकी हाफ लाइफ इतनी है, ये रिकॉर्डेड है, रिसर्च हुई हुई है इस पर। सैडली आयुर्वेदी में और होम्योपैथी में, आयुष सिस्टम्स में ऐसी कोई रिसर्च अभी तक नहीं हुई है, अब होना शुरू हुई है। जैसे जैसे आगे के दिनों में रिजल्ट आएंगे, मैं अपनी बात से पीछे हट जाऊंगा, अपनी बात को बदल दूंगा, पर आज की तारीख में ऐसी रिसर्च वाले डायबिटीज़ के रिसर्च पेपर्स आयुष सिस्टम में नहीं मिलते हैं। इसलिए आपको एलोपैथी का सहारा डायबिटीज़ में लेना पड़ेगा। तो फिर क्या आयुष सिस्टम एकदम बेकार हैं? इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार।